सामाजिक संस्था जिला मंडी जन कल्याण संस्था के संस्थापक हरीश शर्मा ने कहा कि उन्हें राजनीति नहीं आती, उनका मकसद समाज सेवा करना है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में जिला परिषद बार्ड जुनेड 30 से चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनके समर्थन में आम आदमी पार्टी समर्थित उम्मीदवार जसवंत सेन ने हरी शर्मा के समर्थन में अपना नाम वापस ले लिया है। जसवंत सेन ने बताया कि हरी शर्मा के समर्थन में वे अपना नाम वापस ले रहे हैं, क्योंकि हरी शर्मा अनुभवी पढ़े लिखे और समाज सेवा को समर्पित उम्मीदवार हैं। वहीं पर मंडी में पत्रकारों से बात करते हुए हरी शर्मा ने कहा कि वे गत 12 वर्षों से समाज सेवा में सक्रिय हैं, मगर वे राजनीति करना नहीं जानते। उनकी कोशिश रहती है कि वे किसी न किसी रूप में समाज सेवा करते रहें। उन्होंने कहा कि मंडी जन कल्याण संस्था की ओर से हरिद्वार में मंडी भवन बनाने के लिए 16 करोड़ का प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सौंपा है। उनकी संस्था के साथ इस मुद्दे पर करीब 17 से 18 संस्थाएं भी संबंधित हैं, जो हरिद्वार में प्रस्तावित भवन के लिए राशि जुटाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा मंडी जन कल्याण संस्था की ओर से आईआईटी कमांड के साथ मिलकर डेवलपमेंट प्लान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनेड बार्ड की 5 पंचायतों जनेड, रंधाड़ा, मराथू, अलाथू और सदियाना पंचायतों में उनके समर्थन में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया है, जबकि 13 पंचायतों में 20 टीमें उनके समर्थन में काम कर रही हैं। भाजपा के सदस्य होने के बावजूद भी निर्दलीय रूप से चुनाव मैदान में उतरे हैं। उन्हें आम आदमी पार्टी का समर्थन मिल रहा है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के जिला कमेटी सदस्य केसी शर्मा भी मौजूद रहे। अभी बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिससे कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। तो मेरी कोशिश यह रहेगी कि उन सभी स्कूल्स में जो मिनिमम स्टैंडर्ड की जो एजुकेशन देने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जो चीज़ें चाहिए, उनको मुहैया करवाएंगे, ताकि हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सकें। उसका जीता जाता एग्जाम्पल जो है वो रंधाड़ा स्कूल है, जहाँ पे हमने एक हिमाचल प्रदेश की सबसे भव्य इमारत बना के अपने जनता को दे रखी है। और जितने भी हमारे क्लासरूम्स हैं, लेबोरेटरीज हैं, वहाँ पे सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं हमारे विद्यार्थियों को वहाँ पे दे रखी हैं, ताकि वो उनका भविष्य अच्छा बने, उनकी एजुकेशन रियल सेंस में वो एजुकेटेड बच्चे बने। तो वही चीज़ें मैं बाकी जितने हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनमें रेप्लिकेट करना चाहता हूँ, करवाना चाहता हूँ। तो ये मेरा एक प्लान है, जिसके तहत हम अपने इलाके को डेवलप करेंगे। और उसके साथ साथ जो रेगुलर काम हैं, पैसों की कमी के कारण जो काम नहीं होते हैं पंचायतों में, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जिला परिषद से मैक्सिमम बजट हम अपनी पंचायतों को दें, ताकि जो रेगुलर काम होते हैं डेवलपमेंट के, चाहे रास्ते हैं, चाहे सड़कें हैं, चाहे लोगों के जो भूमि कटाव है, या खेतों की जो डेवलपमेंट है, या जो पशुओं के लिए जो भी सुविधाएं सरकार देती हैं, वो सब दिलवाने की कोशिश करूंगा। इंजीनियर हरीश चंद्र, अध्यक्ष जिला मंडी जन कल्याण संस्था व प्रत्याशी जनेड वार्ड 30 जिला परिषद मंडी। सबसे पहले तो मैं जनेड वार्ड के सभी माताओं, बहनों, भाइयों और जिला मंडी के और हिमाचल प्रदेश के समस्त निवासियों को नववर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अभी पंचायती राज इलेक्शंस चल रहे हैं और मैं जिला मंडी परिषद के लिए वार्ड नंबर 30 जनेड का प्रत्याशी हूं, और जिस तरह का मुझे अपार समर्थन मिल रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सभी पंचायतों का दौरा कर चुका हूं, और जिस तरह का समर्थन मिल रहा हूं, उसके लिए मैं सभी निवासियों का तहे दिल से आभारी हूं। जहां तक जनेड वार्ड का सवाल है, वो मेरी अपनी घर की वार्ड है, जनेड मेरी पंचायत है, और हम इस वार्ड के माध्यम से ये दर्शाना चाहते हैं कि एक आदर्श वार्ड ये बने, सबसे विकसित ये वार्ड बने, मंडी जिला की ही नहीं अपितु हिमाचल प्रदेश की विकसित वार्ड ये बने। उसके लिए एक खाका तैयार करेंगे, और सभी भाई बहनों जो इस वार्ड में रहते हैं, उन सब से पर्सनली मिलकर उनसे उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको क्या विकास चाहिए, किस तरह का विकास चाहिए, कौन सी फैसिलिटी चाहिए, उसका एक खाका तैयार करके, और वो पंचायतों के माध्यम से, जिला परिषद के माध्यम से मैं करवाने की कोशिश करूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा धन जो है इस वार्ड को दिलवाने की कोशिश करूंगा। उसमें मुख्य बिंदु जो डेवलपमेंट के रहेंगे वो ये हैं
कि हमारे जो गांव के बच्चे हैं उनको खेलने के लिए कोई सुविधा नहीं है, तो उनको मैं ये चाहता हूं कि उन बच्चों के लिए फिजिकल फिटनेस के लिए हर एक पंचायत के अंदर एक मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने, जो खेलो इंडिया के तहत हम लाने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ इस इलाकों में, इन पंचायतों में एक बहुत बड़ा हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी लाएंगे, जहां पे स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स हो सकें, तो वो भी हम लाने की कोशिश इस इलाके में करेंगे। हमारे नौजवान साथियों के लिए होने चाहिए, तो उसके लिए ऑलरेडी हमारे यहाँ पे थाना प्लान हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का काम शुरू हो रहा है, तो उसको हम टेकअप करेंगे अपने, क्योंकि मेरा अपना डिपार्टमेंट है, तो उनके साथ टेकअप करेंगे और जल्दी से जल्दी इसको शुरू करवाने की कोशिश करेंगे, ताकि उन सब नौजवान साथियों को नौकरी मिल सके। गरीब बहनें हैं, उनको उनके जो आय के साधन है वो किस तरह से बढ़ाए जाएं, उसकी भी मैंने एक खाका बना के रखा है। ऐसे प्रोजेक्ट्स मैं लाने की कोशिश करूंगा ताकि उनकी जो इनकम है वो 10 से 20 हज़ार घर बैठे ही उनकी इनकम बढ़े।